नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, अन्य पदों से चुनाव लड़ने के लिए लोगों में सरगर्मियां तेज हो गई है। लोग प्रचार, चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीजें जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए, और कौन से ऐसे व्यवसाय करने वाले हैं जिसे माना जाता है, लोग आम ऐसे समझते हैं कि चुनाव ऐसे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने में छूट दी गई है। नए नियमानुसार कौन से ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि जो पिछले बार चुनाव लड़े हैं और जीते हुए हैं, नए नियमानुसार कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी बाधाएं उन्हें चुनाव लड़ने से रोक सकती है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम लेने के लिए जिले से टीमें निकल चुकी है और ईवीएम इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। सभी कोषांगों को एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दे चुका है और चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, लेकिन भावी प्रत्याशी भी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। लेकिन सावधान हो जाएं, हम बात करेंगे इस बार कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस एपिसोड में हम यही हम बात करेंगे कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहला जो नंबर आता है, जो चुनाव जो नहीं लड़ पाएंगे, जो ऐसे मुखिया, सरपंच या कोई भी प्रतिनिधि जो शक्तियों का दुरुपयोग किए हैं और जो पद से हटाए गए हैं, वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और नाम निर्देशन की जो तिथि होती है, अंतिम तिथि है, उस दिन तक 21 वर्ष जिनका पूरा नहीं हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार में अस्थायी सेवा में जो है, वैसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 6 माह से ज्यादा सजा पाए व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कदाचार के कारण पद से हटाए गए जनप्रतिनिधि भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और आपको बता दें कि कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई भी अभ्यर्थी जो है से एक से ज्यादा पदों पर चुनाव लड़ सकता है, जिसका अलग अलग से नामांकन पत्र भरना होगा, उसके लिए आरओ भी अलग कटाना होगा, मतलब निबंधन शुल्क भी अलग से कटवाना होगा। दोस्तों, यह तो थी कि पंचायत चुनाव ऐसे लोग नहीं लड़ सकते हैं। कौन क्या क्या चीजें जरूरी है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, इस पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो सबसे बड़े जो बहुत बड़ी जरूरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वह है कि पंचायत मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है, मतलब मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ना है, तो आपको उस प्रखंड में किसी भी पंचायत में नाम होना चाहिए, आप मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वार्ड के अंदर चुनाव लड़ना है, मतलब वार्ड सदस्य और पंच के लिए, तो जिस पंचायत के वार्ड सदस्य और पंच के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस वार्ड उस मतलब उस पंचायत में, किसी भी वार्ड में आपका नाम होना चाहिए। उसी तरह अगर जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जिले के किसी भी प्रखंड में नाम आपका होना चाहिए मतदाता सूची में, आप चुनाव लड़ सकते हैं। और पंचायत समिति सदस्य के लिए है कि प्रखंड के किसी भी पंचायत में आपका मतदाता सूची में नाम है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह हो गया नाम, नाम की बात हो गई कि कैसे कोई चुनाव लड़ सकता है। और अब हम बात करेंगे कि कौन से लोग चुनाव लड़ पाएंगे। इससे बात करने से पहले आपको दोस्तों बता दें कि चुनाव नहीं लड़ने वाले लोगों की सूची हम आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो हम यही बात करेंगे पहले कि कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे चुनाव नहीं लड़ने वाले लोगों में और से सदस्य आते हैं, आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकार में उनका आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी, जैसे वितरित कॉलेज हो गया, वैसे तरह के कार्यरत होमगार्ड, कार्यरत
कार्यरत होमगार्ड, ध्यान रखिएगा, सरकारी वकील, लोक अभियोजन पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ के पद पर धारण न करता हो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो वैतनिक कार्य करते हैं, जो लाभ का पद है, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसे लोग किसी भी अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं, जो मैंने बताया, किसी भी अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। तो यह चुनाव नहीं लड़ने वालों की सूची थी दोस्तों। जो नए दिशा निर्देश आए हैं, जो नई नियमावली आई है, उसके अनुसार इसमें अगर किस तरह का कंफ्यूजन हो तो जरूर हमसे कमेंट में पूछिएगा। तो दोस्तों यह थी जानकारी, चुनाव नहीं लड़ने वाले, जिनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है, वैसे लोगों की सूची। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव लड़ने वालों की सूची क्या है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसे कार्य हैं, जैसे मतलब कोई कहते हैं LIC एजेंट चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, आंगनवाड़ी सेविका के पति चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले जो पेशा है उसके बारे में बताऊंगा। आपको लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की छूट नई नियमावली में दी जा चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर गुजारिश करते हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबरों से, छोटी से बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।